हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे घर के स्वाद में। आज हम लोग बरगद बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल आसान। चलिए तैयार करते हैं। प्याज 3 कटे हुए, 2 शिमला मिर्च कटी हुई, 1 पत्ता गोभी छोटा सा, 2 गाजर कटे हुए, अदरक 2 इंच के करीब है, आलू 3 आलू है। कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं, जीरा डाल दिए। जीरा जब हमारा चटचटाने लगे इसमें हम अदरक डाल दें। अब प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का सा गुलाबी करके बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है प्याज, बिल्कुल हल्का सा। अब इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आलू, हमारे पास मटर नहीं थे इसलिए मैंने मटर नहीं डाला, आप मटर भी डाल देंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। 2 चम्मच देगी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/4 थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, 1/4 नहीं हो तो आप नींबू भी डाल दीजिएगा लास्ट में। अब इसको धीमे आंच में पका लेंगे हम। अब कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे, कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप मैदे का भी घोल बना सकते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच के करीब मैदा डाल दिया है, आपके पास आरारोट हो तो आरारोट भी डाल सकती हैं, लेकिन हमारे पास मैदा था इसलिए हमने मैदा डाला है। अब इसको हाथों के सहारे मसल दीजिए और गोल टिक्की बना के आरारोट के पानी में डिप कर दीजिए। ये हमने ब्रेड क्रम्ब बनाया था, ब्रेड को मिक्सी में, 2 ब्रेड को मिक्सी में चला लिया है, ब्रेड क्रम्ब बन गया। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार। अब इसको तेल गरम करके फ्राई कर लेते हैं। आप सेलो फ्राई करना भी चाहते हैं तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डीप फ्राई किया है। अब एक बंद ले लीजिए, उसको बीच से कट कर लीजिए। मेयोनीज 2 चम्मच, टमाटो केचप, ऑरेंज ग्रेन जो पिज्जा में हम लोग डालते हैं आप उसको ले लीजिए, चिली। एक तवा गरम करेंगे, उसमें बटर, अब हम अपने बंद को सेक लेते हैं। अब इसमें मेयोनीज लगा देंगे और सॉस भी है।
इसमें पत्ता गोभी के हमने पत्ते ले लिए हैं बड़े बड़े। एक टिक्की रख देंगे। यह हरी चटनी हमने बनाया है, पुदीने की चटनी। अब कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज, ऊपर से चीज़ लगा देंगे। स्लाइस चीज़ है हमारा। बच्चे बहुत इंजॉय से खाएंगे, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। ये बंद को ऐसे दबा दीजिए थोड़ा। हमारा रेडी हो गया। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में